सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल फ्रंटलाइन पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हुण कनेडा तो किसानों के हक में आई है बड़ी खबर। देश के अंदर चल रहे खेती अंदोलन की चर्चा इस समय बाहरी देशों के विच भी हो रही है। भारी गिनती दे विच लोग इस खेती अंदोलन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हां लोगों के विच कई प्रमुख शख्सियतां भी हैं जो किसानों का पक्ष पूरदियां हुईयां इस खेती अंदोलन को जायज़ ठहरा रही हैं। इस दे नाल ही इन्हां लोगों वल्लों मोदी सरकार नूं भी किसानों दीआं मंगां मन लैण दी गल आखी जा रही है, जिस बारे अपने विचार सांझे करदे होए कनेडा दे संसद मैंबर अते न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी दे प्रमुख जगजीत सिंह ने एक संदेश जारी किया। जगमीत सिंह ने कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं अपील करदे होए आख्या कि वह जल्दी तो जल्दी इंडिया के किसानों वल्लों चलाए जा रहे खेती अंदोलन की हमायत करन। इस दे नाल ही उन्हां प्रधानमंत्री ट्रूडो नूं यह भी आख्या कि वह 26 जनवरी मौके ट्रैक्टर परेड दौरान किसानों नाल होईआं हिंसक वारदातों के विरोध भारतीय सरकार की निंदा भी करन। इस संदेश उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट उपर भारतीय किसानों को समर्थन करते हुए दिता। इस दौरान उन्होंने विश्व के इतिहास में इस किसान अंदोलन सब तो बड़ा शांतमई अंदोलन करार दिता। जगमीत सिंह ने कनेडा के संसद मैंबरों तो अलावा बाकी होरना देशों के मैंबर पार्लीमेंट को भी अपने बयान किसानों के समर्थन में दर्ज करवाने की अपील की। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार के हिंसक व्यवहार की भी निंदा की जानी चाहिए है, जिस नाल कई किसानों को कष्टों का सामना करना पिया। जिक्रयोग है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन किसानों वालों कढ़ी गई ट्रैक्टर परेड दौरान कुछ लोगों ने दिल्ली के लाल किले में हिंसा की सी और फसील उपर धार्मिक झंडे को लहराया। खबरों मुताबिक यह गल भी सामने आई थी कि इस दौरान पुलिस समेत कई प्रदर्शनकारी भी जख्मी हुए सन। दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नवी खबर के नाल। तद तक सत श्री अकाल।